विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोत् धनाधर्म तथा सुखम। शिक्षा के बारे में हमारे पुराणों में साहित्यों में यह बात बड़े स्पष्ट ढंग से कही गई है, लेकिन शिक्षा की स्थिति लगातार बदलती जा रही है और यह बदलती स्थिति हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस पर चर्चा लगातार होनी चाहिए। आज हम हैं मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में और हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा सिंह, जो हमें बताएंगी कि शिक्षा की दशा और दिशा में कितना बदलाव हो रहा है और कितने बदलाव की ज़रूरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा की स्थिति में जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, नए ज़माने में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बच्चों की मानसिकता में बदलाव हो रहे हैं, पेरेंट्स की मानसिकता में बदलाव हो रहे हैं, तो इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पूरी तरह से सिनोरिया कहें या वातावरण कहें चेंज है, और इसमें कोई एक फैक्टर काम नहीं कर रहा बल्कि सारे हैं, जिसमें मैं ये मान के चलूँगी कि अगर शिक्षा में गिरावट है तो वो गिरावट में माता पिता भी उतने ही दोषी हैं, टीचर भी दोषी है और बच्चा भी दोषी है। आज हर चीज़ अर्थ भौतिकवाद की तरफ जा रही है, अर्थ के साथ तोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब बच्चा पैदा होता है या धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब थोड़ा थोड़ी समझ होती है, तो पेरेंट्स भी उसको शिक्षा के साथ नौकरी या व्यवसाय की तुलना करते हैं। उनका कहना होता है कि तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें खेती करनी पड़ेगी, भैंस चरानी पड़ेगी, गाय चरानी पड़ेगी, चारा डालना पड़ेगा। इस तरह के उपनाम, इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शिक्षा मात्र हमें रोजगार देने के लिए आवश्यक है, जबकि होना ये चाहिए कि शिक्षा आप हमारे लिए, हमारे जीवन शैली को सुधारने के लिए, हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए और हमें संस्कारवार बनाने के लिए ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी मानसिकता वहाँ से चेंज हो जाए और बच्चे को ये समझ में आ जाए कि मुझे मात्र डिग्री नहीं चाहिए जो मुझे रोज़गार देगी, बल्कि मेरे पूरे व्यक्तित्व में बदलाव चाहिए, मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है, मुझे एक अच्छा होनहार व्यक्ति बनना है जो कि समाज की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम होगा। तो भारत एक कल्चरल रूप से बहुत ही सशक्त राष्ट्र रहा है, ये तमाम चीज़ें संस्कार और जिनकी आप बातें कर रही है, तो ये चीज़ इन चीज़ों में गिराव कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे इन चीज़ों में सुधार होगा? मिथिलेश जी, मेरा ये मानना है कि भारत निस्संदेह भारत एक बहुत विश्वगुरु रहा, बहुत सशक्त राष्ट्र रहा, और इसकी पहचान आज से नहीं है बल्कि 700 ईसा पूर्व पहले से है शिक्षा के क्षेत्र में, जब हमारे देश में तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे, और पूरे विश्व के छात्र यहाँ पर विद्या अर्जन करने के लिए आती थी। दूसरी चीज़, जो आप गिरावट की बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना यह है कि हमारा देश करीब 600 साल तक गुलाम रहा, कब पहले मुगलों का गुलाम रहा और दूसरा फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो जो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर कुठाराघात हुआ है तो हमारी संस्कृति और शिक्षा पर हुआ है। लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि अगर हमें इस देश पर राज्य करना है तो यहाँ के जो सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, उसको नष्ट करना होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैकाले की जो पद्धति आई, मैकाले की जो शिक्षा नीति आई, वो सिर्फ इसलिए आई कि उन्हें अपने तरह के कॉरपोरेट कल्चर के क्लर्क जो अंग्रेजी में पढ़ जाएं और बोल जाएं और उनकी राज्य को चलाने के लिए सहयोग कर सके, ऐसी शिक्षा की उन्हें आवश्यकता थी, और वो धीरे 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 हमारे यहाँ जड़ करती गई और हमारी मानसिकता में भर गई। तो आज जो गिरावट आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे है, एक दिन की गिरावट नहीं है। हालांकि पिछले 5 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है, तब से कुछ लगता है कि उनका ध्यान गया है अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो सुधार नहीं है जिसकी अपेक्षा है हम तो सब। कौन से सुधार के जो पॉइंट्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने उठाए हैं 5 साल में, जो लगता है कि थोड़ा सा विजनरी है? बेसिकली उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें टीचर्स का नियमित जाना आना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है। हालांकि मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से कंट्रोल हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से देखा जाए तो कुछ कंट्रोल हुआ है उसमें। और एक आदर्श स्कूल पहल की है, आदर्श कॉलेज की पहल की है, इंग्लिश मीडियम जो प्राथमिक में पहले गवर्नमेंट के स्कूल नहीं होते थे, तो उसकी वजह से हमारा जो मिडिल क्लास या अपर क्लास का बच्चा था वो सभी कॉन्वेंट में चला जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट में प्राथमिक विद्यालयों में तो सिर्फ वो जाते हैं बच्चे जो शुरू क्लास के होते हैं, या वो बच्चे जाते हैं जो गरीब होते हैं, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए
थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है, वहाँ पर नए टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं और शायद वो बदलाव होगा, लेकिन अभी भी सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बहुत सुधार की आवश्यकता है इसमें। सरकार और टीचर से अगर हट के बात करें तो पेरेंट्स की भी बड़ी भूमिका होती है एक विद्यार्थी के, एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में, तो इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, पेरेंट्स ने भी अपनी इतसरी सिर्फ फीस दे के और स्कूल में बच्चा का एडमिशन करा के ख़त्म कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चे की प्रथम माँ हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम गुरु तो माँ होती है, और जो प्रथम गुरु माँ होती है उसका प्रभाव जितना बच्चे के व्यक्तित्व में पड़ता है उतना किसी दूसरे का नहीं पड़ता, उसके बाद फिर शिक्षक का पड़ता है। तो वो पार्ट आज निग्लेक्टेड है, आज माता पिता ने दोनों ने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म कर रखी है। वो ये मान के चलते हैं कि मेरा बच्चा 6 घंटे में विद्यालय में या स्कूल में जाके जो मैं चाहता हूँ वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वातावरण में वो बात की टाइम पे पेरेंट्स के साथ रहता है, तो पेरेंट्स को उस बच्चे को किस तरह की संस्कार देने चाहिए, मैं फिर बात संस्कार पे आ जाती हूँ। मैं सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ जो डिग्री मिल जाती है, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ जो शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है। आज पेरेंट्स ये तो चाहता है मेरा बच्चा झूठ ना बोले, पर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो खुद बच्चे के आगे हर रोज़ झूठ बोलता है, आप उसको कैसे रोकेंगे? सपोज आज मोबाइल का ज़माना है और पेरेंट जिससे नहीं मिलना चाह रहा है या ऑफिस में जाना चाह रहा है तो किसी का फ़ोन आया, आप कहाँ हो, वो बच्चे के आगे कह देता जी मैं तो ऑफिस पहुंच गया या मैं रास्ते में हूँ, जबकि वो घर में होता है। तो वो बच्चा वो नहीं देख रहा या वो नहीं सीख रहा जो उसी किताबों में सिखाया जा रहा है कि सत्य बोलना एक अच्छी बात है, आपको अपने अंदर सत्यता लानी चाहिए। वो सीख तो वो रहा है जो उसके फादर ने उसके सामने एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि वो अपने पापा को भी रोल मॉडल मानता है आफ्टर ऑल। तो पिता जाने अनजाने में वो चीज़ सिखा रहा है जो बच्चे को नहीं सीखनी चाहिए, इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, मेरा मानना ये है। माता पिता को अपना व्यवहार, अपना आचरण और बच्चे के प्रति उतना ही उत्तरदायित्व होना पड़ेगा जितना एक शिक्षक को होना चाहिए, जितना विद्यालय को होना चाहिए। हम सभी जानते हैं किशोरावस्था आती है तो बच्चे के अंदर संवेग बदलते हैं, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इमोशंस होते हैं। ऐसे समय में अगर बच्चे को प्यार माँ बाप से नहीं मिलेगा या उसे सही दिशा, सही गाइडेंस, सही निर्देशन माँ बाप से नहीं मिलेगा तो वो पड़ोस में अड़ोस में अपने दोस्तों से इधर उधर तलाशेगा। उसमें मे भी हो सकता है उसकी संगति अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्यार, वो इमोशंस, वो सारी चीज़ें वो अपने बच्चों को खुद दें और उसके सही और गलत की पहचान खुद कराएं। बड़ा होने के बाद पेरेंट्स एज ए गार्जियन ना बल्कि दोस्त बन के रहें, वो खुद दोस्त बन जाएंगे तो शायद बच्चे को बाहर दोस्त तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सटीक बात आपने कही मैम कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी सर्वाधिक होती है। मोबाइल फ़ोन की भी चर्चा की आपने, तो टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने उदाहरण दिया, डिजिटल इंडिया के बड़े समर्थक रहे हैं और उन्होंने एक तरह से क्रांति लाई है। तो क्या एक स्टूडेंट की मानसिकता पे, उसकी जीवनचर्या पे, उसके विकास पे या उसकी गिरावट पे एक समग्र रूप में आप कैसे देखती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, टेक्नोलॉजी नो डाउट ये भी एक टूल्स है, सहायक सामग्री, जिसको के जैसे हम बीएड में हम शिक्षकों को बताते हैं कि आप जितना अधिक, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और शिक्षा भी अगर जितनी अधिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाएगी उतना ही स्थायित्व होगी, सस्टेबल होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को एज ए टूल की तरह से इस्तेमाल किया जाए, सहायक सामग्री, तब तो वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो हर चीज़, एटम बम प्रधानमंत्री ने या हमारा जो परमाणु हथियार प्रधानमंत्री ने सेल्फ रक्षा के लिए बनाया है, लेकिन अगर वही सेल्फ रक्षा न करके हम ऐसे कर देंगे तो वो घातक तो हो गई कहीं ना कहीं। तो हम सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को, विद्यालय को, समाज को ये समझना होगा कि जो मोबाइल है आज किस उम्र में तो बच्चे को देना चाहिए और क्या क्या उसे इस्तेमाल करने के लिए बोलना चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से निरीक्षण। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पाबंदी बहुत ज़्यादा हो जाए, अति हो जाएगी किसी भी चीज़ की तो वो अति ब्लास्टी करती है। बट एक समय की बात होती है मैम कि एक गार्जियन के पास, एक पेरेंट्स के पास खुद भी समय नहीं होता है, माँ बाप दोनों वर्किंग कल्चर में आ गए हैं, तो बच्चे को कहाँ से, ये एक कौन सा इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, कौन सा इकोसिस्टम बन रहा है और इस पर बात कौन कर रहा है, इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, इस पर कौन से फोरम्स आयोजित होती हैं, कौन सी इवेंट्स आयोजित होती हैं जिसपे इन समस्याओं पर चर्चा हो? मिथिलेश जी, बिल्कुल होनी चाहिए, मेरा ये मानना भी है कि आज
के दौर में इस पर इवेंट, इसमें फोरम साइड नहीं हो रही, इस पर सेमिनार होने चाहिए, बल्कि उन पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और वर्किंग पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए। देखिए, समायोजन जो हम कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, वो तो हम सभी को करना पड़ेगा। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको अपना स्टेटस सिंबल बढ़ाना है या भौतिक रूप से आपको समृद्ध होना है या विकास की दौड़ में आगे बढ़ना है भारत को जैसे, तो दोनों का वर्किंग होना भी कहीं हद तक ठीक है। लेकिन हम दोनों ही हैं, पति पत्नी अगर दोनों ही ये बात जिम्मेदारी से निभा लें कि दोनों की सहभागिता, जिस तरह से अर्थ को मजबूत करने में, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में दोनों की सहभागिता जरूरी हो गई है, उसी तरह से बच्चों के परवरिश में भी वो सहभागिता उतनी ही आवश्यक होनी चाहिए। तो दोनों मिलके अगर समय प्रबंधन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि आप वही जॉब दोनों कहीं कीजिए, जो कॉर्पोरेट, जो सुबह 7 बजे से हस्बैंड भी जा रहा है और रात को लेट नाइट 9 बजे दोनों ही लौट रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हस्बैंड की जॉब लंबे टाइम तक की है तो वाइफ कुछ शॉर्ट टर्म की जॉब ढूंढ ले, घर बैठ के कोई कर ले, जिसके कि दोनों का आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत चल गया है, तो घर बैठ के अगर आपके पास टैलेंट है तो वर्क, या मुझे लगता है कि अर्थ कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी। एक समय तक, जब तक बच्चा छोटा है तब तक परवरिश दोनों को मिलके एक समायोजन से करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि एक गांव की चरितार्थ सूक्ति है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बहुत परफेक्ट बात है। तो ये मॉडर्न कॉलेज में मैम, कि इसके पीछे क्या विजन रहा है और किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कौन से माइलस्टोन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये सारी चर्चाओं का अंततः एक विद्यालय ही स्थान है जहाँ प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ के जो मैनेजमेंट, जो प्रबंध कमेटी है, उनका विजन वाकई में बहुत ही सुलझा हुआ और दूरदर्शितापूर्ण विजन है, क्योंकि इसके आसपास जो यहाँ अर्थला गांव लगता है, जहाँ पर कुछ मध्यम परिवार के लोग रहते हैं जो बहुत अच्छी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और भी दूसरे लोग हैं, तो यहाँ के लोगों का विजन है कि हम शिक्षा उन लोगों को भी दे सके, उन तबकों को भी दे सके जो कि फीस के कारण या किसी और के कारण उन स्कूलों तक नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पर कि एक फीस का बहुत बड़ा बोझ लगता है उनको। पहला काम ये। दूसरा, व्यावसायिक, हमारे यहाँ जितने भी मॉडर्न कॉलेज में कोर्स चलते हैं सभी व्यावसायिक कोर्स चलते हैं। एक टीचर ट्रेनिंग, मतलब MEd, BEd, BBA, BCA और लॉ, सारे के सारे ऐसे कोर्स हैं कि वो यहाँ से निकलने के बाद हमारी कोशिश होती है कि अगर मैं BEd करा रही हूँ तो BEd करने के बाद मेरे यहाँ से कम एक आदर्श शिक्षक निकल के जाए, जो अपने बच्चों को भी वही जो हम चाहते हैं कि बच्चा आज कैसा होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, वैसा वो शिक्षक निकले। तो पहला विजन ये है कि हमारे यहाँ से पढ़ने वाला हर व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, अपनी अर्थोपार्जन का भी योगदान करता रहे, लेकिन वो अर्थ के उपार्जन में वो अपने दायित्वों को, अपने समाज के प्रति जो दायित्व हैं उनका निर्वाह करना ना भूले। तो विजन, मैं प्रबंध समिति का जहाँ तक बात करें, बहुत अच्छा विजन है और 2003 से इस कॉलेज की शुरुआत हुई, गणेश शिक्षा समिति है जिसके अंडर में मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी चल रहा है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये कॉलेज, और आज की डेट में यहाँ पर 2003 से आज तक करीबन कुछ नहीं तो 15-16 हज़ार बच्चे यहाँ से विद्यालय के विभिन्न डिफरेंट उसमें, आज कुछ गवर्नमेंट में भी हैं, अच्छे स्कूलों में भी हैं, अच्छे कॉरपोरेट में भी हैं, मैनेजर तक हैं, विप्रो और TCS जैसी कंपनियों में BBA BCA का बच्चा लगा हुआ है मेरे यहाँ का, और LLB जहाँ मॉडर्न कॉलेज लॉ भी चलता है जिसमें LLB के बच्चे हैं, तो वो लीगल के क्षेत्र में भी विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं, जज बने हैं मेरे यहाँ से टीचर बच्चे, टीचर भी जज बने हुए हैं मेरे यहाँ के। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज एक का विजन है, कॉलेज का एक दृष्टि है कि कॉलेज गुणवत्ता पर शिक्षा दे इस जगत को, जिससे कि समाज में जितनी भी कुशल व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है वो यहाँ से निकल के बच्चा जो करे, जो कि अपना समाज के प्रति अपना दायित्व का निर्वाह करे।
बहुत बड़ी बात आपने कही मैम, क्योंकि अंततः एक विद्यार्थी जो निकलता है वो एक वही बता सकता है और उसी की मानसिकता, उसी की सफलता बताती है कि एक विद्यालय की क्या अहमियत है। एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण में कोई कमी आ गई तो वो पूरी जिंदगी खराब होगा, और वो न सिर्फ खुद के लिए खराब होगा बल्कि वो समाज में जाने कितनों को खराबी देगा। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि मेरे यहाँ का पढ़ा हुआ हर व्यक्ति शिक्षा तो ले ही, साथ साथ में संस्कार भी लेके जाए। डॉक्टर निशा, साहित्य से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो साहित्य का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोप दिख रहा है समाज में, तो उसका क्या लगता है कि उसका समायोजन कैसे किया जाना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, विद्यालय में, या फिर कहीं समाज में? मिथिलेश जी, देखिए, साहित्य किताबों में जो हमारा था, और आज की पीढ़ी पढ़ना भूल गई है कहीं ना कहीं, तो हमें दोबारा से वो पुस्तकालय, वो किताबें वहाँ तक बच्चे को पहुँचाना होगा। और मैं फिर से आती हूँ कि उसमें सबकी भूमिका अहम होगी, माता पिता, शिक्षक और बच्चा, हमें दोबारा से वो चीज़ लानी होगी। और ये बात ठीक है कि उसमें थोड़ा सा बदलते हुए परिवेश में हमें इतना नहीं सशक्त, जो आप साहित्य की बात कर रहे हैं, हिंदी आज क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि उसको इतना क्लिष्ट रूप में प्रेषित किया गया कि आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे, उससे अच्छा आप इंग्लिश सीख लेंगे, अंग्रेजी ज़्यादा ईजी है। लेकिन हमें भाषा ही है, हम उसको मिश्रित भी कर सकते हैं। उस मिश्रित करने में हमारा जो भला होगा, हम अपनी मूल भाषा से तो बने ही रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और साथ ही बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट भी, कि वो उसको उतना कठिनाई ना हो उस भाषा को सीखने में जिससे वो दूर भागे। तो मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को जितना अधिक पढ़ाइयों किताबों से संपर्क में लाएंगे, पेरेंट्स को भी कहेंगे, माता पिता को भी जागरूक करेंगे कि भाई आपके लिए साहित्य, क्योंकि साहित्य कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और समाज में जो घटित होता है वो साहित्य में परिलक्षित होता है। तो जब तक हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे तब तक समाज को ठीक तरह से समझा नहीं जा सकता, या अतीत को समझने के लिए भी हमें साहित्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपके सामने मिथिलेश जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आज इतिहासकारों ने हमें वो पढ़ाया है या वो दिखाया है जो वो चाहते थे। अब समय की मांग ये है कि हम वो भी जाने जो हमारे कुछ इतिहासकारों ने छुपा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की महिमा मंडित जैसा लोगों ने की वैसा नहीं था। हमारा देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत विदुषी लोग थे जिन्होंने साहित्य लिखा। विडंबना क्या हुई कि वो साहित्य, या तो वो इतने सीधे सज्जन थे कि वो साहित्य ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं गया, इसलिए वो कहीं ना कहीं खो गया। और हमने वो देखा, वो सुना जो हमें पढ़ाया गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई की एक कविता जिसका योगदान 1857 की क्रांति में जबरदस्त रहा है, और मैं तो यहाँ तक मानती हूँ कि अगर रानी लक्ष्मीबाई के साथ कुछ गद्दारों ने अगर उनका साथ दिया होता, गद्दारी ना की होती, तो शायद हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हुआ होता, 90 साल या 100 साल का इंतजार ना करना पड़ा होता। लेकिन उसकी चर्चा मात्र एक कविता से के बाद इतनी समझ ली हमारे साहित्यकारों ने, या उसमें कहीं चर्चा नहीं आती है, कहीं उसकी जिक्र नहीं होती है। तो क्या ऐसे साहित्यकार, ऐसे वीरांगनाओं को हमारा बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे को? कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि हम किताबों में वो पढ़ा रहे हैं जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो देसी हैं। आज भी हम मैकाले पद्धति पर चले हुए हैं, आज भी हम जितने भी साहित्यकार कह लीजिए, या मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, या फिलोसफर कह लीजिए, सब हम फॉरनर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ और भी तो लोग रहे हैं, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, इन सबका भी बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका पूरा जीवन ही उसमें निकल गया, हम इनको भी पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कुछ सरकारों का भी पहल होनी चाहिए, सरकारें ऑब्वियसली बात है कि सरकारें जब पहल करती हैं, या ये कह दिए जब हंटर चलाती हैं, चाबुक चलाती हैं, तो मजबूरी बस नीचे का प्रशासन को वो अप्लाई करना पड़ता है, और शायद वो लास्ट सिरे तक जो बच्चे तक पहुंच सकता है। तो वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वो साहित्य से बच्चे को रूबरू कराएं, और अपने देश पर गर्व करना सिखाएं कि हमारा देश ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सटीक सटीक बात आपने कही, और यह एक समग्र चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बात जो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हो, फ्यूचर के स्टूडेंट्स को आप कहना चाहें? जी, मैं फ्यूचर के स्टूडेंट को मिथिलेश जी यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन वो पूंजी है, वो कुंजी है
जो बड़ी बड़ी सफलताओं का द्वार खोलती है। अगर आप अपने जीवन में संयमित और अनुशासित हैं तो आप वो सारी प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं जो आपको किस टारगेट पर पहुंचाना चाहते हैं या आपको सफलता की उच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। आप धीरे धीरे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, सीढ़ीनुमा ऊपर चढ़ते जाएंगे और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो आपको अनुशासित रहना है, समय प्रबंधन रहना है और अपने आप को फिट रखना है, जिसके लिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं 4 बजे सुबह से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है, मैं नियमित योग करती हूँ, योग के बाद अपना डेली के कार्य भी करती हूँ, इवन मैं खाना भी खुद बनाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काम वाली या उस पर डिपेंडेंट हूँ। और उसके बाद 9:30 बजे मैं कॉलेज आ जाती हूँ, 9:30 से 6 बजे तक मेरा काम पूरा तरह से कॉलेज के लिए रहता है, मैं पूरी तरह से कॉलेज के लिए समर्पित हूँ। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर कौशल है, लेकिन वो थोड़ी भटकी हुई है, थोड़ी डिस्ट्रक्टिव है, उसको दिशा देने की ज़रूरत है। अगर वो समर्पित होके अपने कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाएगी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसे सफलता ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। तो यह थी डॉक्टर निशा सिंह, जो मॉडर्न कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से हैं और इसकी जिम्मेदारी 2009 से संभाल रही हैं। आगे हम ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे, एजुकेशन की जड़ तक जाएंगे, कहाँ प्रॉब्लम है और क्या सलूशन हो सकता है, इस पर गहराई तक चर्चा करेंगे। 29 मई को हम ऐसे ही एक सेमिनार का आयोजन करना जा रहे हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मिथिलेश, आप जरूर डांस से, और अगली कड़ी तक मिथिलेश का आपको नमस्कार।